अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, स्वागत है आपका इरम ब्रदर बुटीक में। आज मैं आपको बताऊंगी जो आजकल रेडीमेड जो सूट आ रहे हैं उसमें नेक गले बने हुए होते हैं, उस पर कढ़ाई हुई होती है, तो इस गले को हम लोग कैसे बनाएं आज ये सीखेंगे इसमें। तो यहाँ पे मैंने कुर्ती अपनी ले ली है और इस पर देखिए नेक बना हुआ है। अब यहाँ पर एक कुर्ती का हम लोग फैब्रिक ले लेंगे और इसको हम लोग बताएं इसकी ब्रॉड देख लेंगे कितनी है। जो ये ब्रॉड है वो 10 इंच है और जो इसकी नेक है वो 9 इंच है। अब इसको ये देखिए ऐसे ही बताएं, इसको फोल्ड कर देंगे, 2 फोल्ड कर देंगे और ऊपर से एक कट का निशान लगा देंगे और नीचे का कट का निशान लगा देंगे। अब इसी बीच में हम लोग को जो हमारा नेक है वो बीच सेंटर पे आए, तो इस वजह से हम लोग ये पहले से कट लगा लेंगे। अब उसके बाद हम लोग कुर्ती ले लेंगे और आर्म होल से एकदम जो कुर्ती को है उसको बराबर कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग एक मार्क कर देंगे, यानी कि जो नेक का जो बीच वाला सेंटर है उसको मेन सेंटर पे ध्यान दीजिएगा और मेन बीच में आए और नीचे से आर्म होल भी देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने नाखून से बराबर कर दिया है यानी कि हम लोग को दिक्कत ना हो इसे मार्किंग करने में, और आप चाहे तो आयरन भी कर सकते हैं। अब यहाँ बीच सेंटर पे हम लोग एक मार्क करेंगे। ये देखिए यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। अब हमारा जो ये जो मेरा फैब्रिक है कुर्ती का उसको रखेंगे जहाँ पे आपने कट लगाया है वहां से, और जो बीच सेंटर पे यहाँ पे हम लोगों ने मार्किंग की है उसको मिला देंगे। यहाँ पे एक सिलाई कर लेंगे। अब जो धागा है उसको कट कर लेंगे। सिलाई जो हम लोग को करना है बीच सेंटर में वो जहाँ तक के आपकी कढ़ाई हुई है उससे चाप भर ऊपर तक के करना है। उसके बाद जो भी आपकी नेक की ब्रॉड होगी वो आप नेक अपना ले लेंगे। यहाँ पे जो मेरा जो एम्ब्रॉयडरी हुई है वो परफेक्ट आ रहा है और आप इसका डीप नेक भी देख लेंगे तो मेरा ये 6.5 इंच पे आ रहा है, तो ये भी एकदम परफेक्ट है। अब इसको हम लोग को एकदम किनारे किनारे इस पर सिलाई करनी है। नीचे का फैब्रिक देखते रहें और उसको बराबर करते रहें। उसके बाद धागे को कट कर लें। ये देखिए मेरी सिलाई हो चुकी है। अब इसको हम लोग बैक को पलट देंगे, यानी कि कुर्ती की सीधी साइड और फैब्रिक का बैक साइड, यहाँ से हम लोग कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे एक मैं मार्किंग करके इसलिए बता रही हूँ जिनमें आप लोग को समझने में आसानी हो। यहाँ पे जो हम लोग का नेक होगा तो उससे चाप भर ऊपर रखना है हम लोग को, एक मार्किंग कर लेंगे जिसपे हम लोग कट कर लेंगे। यहाँ पे मैं कट कर लूंगी। अब हमने जो है 2 इंच का
यहाँ पे नेक गला के जो फैब्रिक है उसको 2 इंच लेके और एक मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि इसमें पलटने में आपको हाफ इंच चला जाएगा और हाफ इंच ऊपर वैस फोल्ड है तो आपका आएगा 1 इंच, तो इसलिए 2 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। ऐसे आप अगर कोई भी नेक बना सकते हैं, अगर आपकी एम्ब्रॉयडरी या नेक ना भी हो तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, बहुत फिनिशिंग का ही इस पे गला आता है। अब इसको मैं कट कर लूँगी। यहाँ पे एक हम लोग कट कर लेंगे। जो सिलाई है उस चीज़ का ध्यान रखें कि सिलाई हम लोग की नहीं कटनी चाहिए, और जहाँ से हम लोग के नेक की गुलाई है वहाँ पे तो कट हम लोग को लगाना ही है। ये कट लगाने से जो आपका नेक आता है वो फिनिशिंग का आता है और अच्छे से फोल्ड हो जाता है। अब हम लोग इस फैब्रिक को बाहर निकालते हुए हम लोग एक नाखूनी कर लेंगे इस पे। आप चाहे आयरन भी कर सकते हैं, पर आयरन की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं, आप ऐसे भी इसको सीधा कर सकते हैं। आप जो आपका जो ये फैब्रिक है, जो नीचे वाला फैब्रिक है, वो भी आपकी बाहर की ओर आना चाहिए। जो नीचे जो हम लोग ने चाप भर रखा था वो फैब्रिक बाहर आना चाहिए, और पूरा ये जो आगे पट्टी है वो बाहर आके फिर उसके ऊपर हम लोग एक सिलाई कर देंगे। इससे जो आपका नेक है वो अच्छे से फिनिशिंग आएगी और आपको तुरपाई में भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे मैंने देखिए स्लाइस कर दी है, आपको ऐसे ही दिख रहा होगा कि नेक कितनी खूबसूरती से और फिनिशिंग से बन गया है। अब यहाँ पे हाफ इंची को हम लोग फोल्ड करके इस पे भी एक सिलाई कर लेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे मैंने देखी सिलाई कर ली है। अब इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग कच्चा लगा लेंगे इसके ऊपर। एक स्टिचिंग जो हम लोग करेंगे वो कच्चा लगा लेंगे, यानी कि बड़े टाके लगा लेंगे। इसमें आपको तुरपाई करने में भी आसानी होगी। यहाँ पे मैंने बड़े टाके कर लिए हैं। ये बहुत ही इजी तरीका है नेक बनाने का, ये देखिए। अब इस पे हम लोग तुरपाई कर लेंगे। यहाँ पे ये देखिए मेरा नेक रेडी है, ये कितना फिनिशिंग से बन के आया है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।